एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव एट क्वेश्चन ओ डी ओ और ओ एफ पर पेंडिकुलर है तो हमें ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है पहले फिर सेकेंड प्रूव करेंगे तो गिवन हमने यहाँ पे लिख दिया है और हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं तो प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल आसान है जो हमें प्रूव करना है वहां से आपको देखना है हमें ओ ए स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एफ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर रीजन दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ओबी चाहिए तो ओबीओ बी ओडी बी ओडी में ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर फिर हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ओ सी इसमें ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर क्योंकि हमें सब प्लस में चाहिए थे इसलिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो अगर हम इन सबको एड कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा जो हमें चाहिए वो आ जाएगा आंसर देखोगे तुम अभी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर ओ एफ स्क्वेयर ओडी स्क्वेयर ओ स्क्वेयर क्या करेंगे हम ये वाली तीनों टर्म लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं तो माइनस ओ एफ स्क्वेर ओ डी स्क्वायर ओ स्क्वेयर इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस ई सी यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट हमारा आराम से प्रूव हो गया यही प्रूव करना है ना ओ प्रूव अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या देखना है जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड पार्ट में वो हमारे इस क्वेश्चन में हम पहले प्रूव कर चुके हैं तो या तो हम इसके हिसाब से करेंगे या फिर नए सिरे से करेंगे क्योंकि एग्जाम में जरूर नहीं है कि ये दोनों पार्ट आए मान लो हमारा सेकंड पार्ट ही आ गया तो हमें क्या करना है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं है ना तो ए एफ चाहिए हमें बी डी चाहिए और सीई -E चाहिए तो ये मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि फिर बार बार फिगर देखनी पड़ेगी या रेह देते हैं चलो ऐसे देखो अब हमें क्या चाहिए पहले ए एफ तो इन ट्राइंगल ओ एफ ट्राइंगल में आप क्या करोगे जैसे हमने यहां पे लगाया था पाइथागोरस तो इसमें से हम ए एफ की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर और यहां लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पेपर में भी डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखने की जरूरत नहीं ऐसे लिख सकते हैं फिर इन ट्राइंगल बीओडी सेम वही प्रोसीजर है बीओमी बी डी निकाल लेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी ऊपर प्रूव किया था वही एक मिनट देख लेते हैं फिगर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसमें हमें बी डी चाहिए है ना तो बी डी को हमने लेफ्ट हैंड पे कर लिया और उसके बाद क्या चाहिए हमें ईसी e. इसमें से हम ई सी की वैल्यू निकाल लेंगे कौन से ट्राइंगल में से ओ सी अब क्योंकि क्वेश्चन में प्लस करना है तो हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं जो मैं प्रूव करना है वहां से हम देख रहे हैं बस ये समझ लो आप तो एडिंग वन टू थ्री एडिंग करेंगे तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वेर प्लस ई सी स्क्वेर इक्वल टू इन सबको लिख देते हैं अब हमें क्या लाना है उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे ये आपको देखना है फिगर में ये फिगर के हिसाब से होगा क्वेश्चन क्या लाना है राइट हैंड पे हमें चाहिए ए ई तो ए e कैसे आएगा ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्स ओई फिर हमें चाहिए सी डी सी डी कैसे आएगा ओ सी माइनस ओडी और बी एफ कैसे आएगा ओ बी माइनस ओ एफ तो इसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे इधर उधर करना है बस हमें तो पहले हमें क्या चाहिए था ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वायर इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया फिर ओ सी स्क्वायर माइनस देखना पड़ेगा बार बार फिगर में ये बड़ी समस्या होती है बस ओ सी माइनस ओ डी तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और फिर क्या बचा है हमारे पास ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर तो जो हमें चाहिए वो हमें फिगर से मिल जाएगा ओ ए माइनस ये हो जाएगा ए ई सी माइनस ओ डी बी डी नहीं OC OD, CD, और OB OF, BF का स्क्वायर तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा इस तरह से ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट था इसके दोनों पार्ट को हम अलग अलग प्रूव कर सकते हैं पेपर में दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं तो उस हिसाब से हमने ट्रायंगल लिए जो क्वेश्चन में गिवन था और सॉल्व हो गया क्वेश्चन ठीक है